इनका एक लेफ्ट ईयर पूरा उखड़ चुका है, पूरा लेफ्ट ईयर उखाड़ दिया गया था कुत्तों ने। स्क्रॉटम बॉल तक को बाइट किया गया है डॉग्स के द्वारा। एक दो कुत्तों का तो डेफिनेटली काम नहीं है। मेरा नाम हर्षित अरोड़ा है, मैं यहाँ पे जनरल रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट का हूँ। ये परसों रात इमरजेंसी में आया था 10 बजे करीब। मल्टीपल पूरे शरीर में वूंड्स, काफ़ी ज़्यादा डीप कट्स, दांतों के निशान बाह पे, छाती पे, दोनों टांगों पे, हाथ पे, सर पे बहुत डीप वूंड्स थे, और इसके नेक के साइड पे भी और यहाँ पे चिन पे भी बहुत गहरा निशान था कि बहुत अंदर तक छिला हुआ है, काटा हुआ है कुत्तों ने। अब उस दिन काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन सिवियर थी कि ब्लीडिंग वगैरह, बच्चा रो रहा था, और हमने उसी दिन फर्स्ट एड देखे, टीके लगाना स्टार्ट कर दिए थे ताकि बच्चे को कुत्तों से जो बीमारी होती है रेबीज़, वो ना हो। रेबीज़ का ट्रीटमेंट उसी दिन शुरू कर दिया था। उसके बाद अब ये दिन है, बच्चा थोड़ा स्टेबल है, रो नहीं रहा है। बाकी घाव तो टाइम के साथ ही भरते हैं, चाहे वो दिमागी घाव हो चाहे वो शरीर के घाव हो, वो तो टाइम के साथ ही भरे जाएंगे। इनके चोटें, एक तो सर पे काफ़ी दो बड़े बड़े गहरे कट्स हैं, चेहरों पे, राइट साइड के चिन पे काफ़ी सब बहुत गहरा कैट है। इनका एक लेफ़्ट ईयर पूरा उखड़ चुका है, पूरा लेफ़्ट ईयर उखाड़ दिया गया था कुत्तों ने। और दूसरा, इनके चेस्ट पे काफ़ी मल्टीपल इंजरीज और छोटे छोटे कट्स दोनों थाई पे, दोनों पैर पे इन्वॉल्व है। स्क्रॉटम बॉल तक को बाइट किया गया है डॉग्स के द्वारा, स्क्रॉटम बॉल पे भी निशान है, बटक्स पे हैं और बैक और नेक पे भी हैं। हमने सारी वूंड्स पे एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगा दी थी ताकि इन्हें रेबीज़ होने का खतरा कम से कम रहे, जो कुत्तों से हो सकती है बीमारी। इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रही हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो बच्चे को। और अब वूंड्स वगैरह, अब बिल्कुल कोई ब्लीडिंग नहीं है, क्लॉट नहीं है, ठीक है, बच्चा तो स्टेबल है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक दो कुत्तों का तो डेफिनेटली काम नहीं है। जैसे बद परिवार आया भी था उस दिन, कि सारे कपड़े बिल्कुल बिल्कुल बिना कपड़ों के था, ये इसकी मदर ने चुन्नी में लपेटा हुआ था, तो एक दो कुत्तों में तो मुश्किल ही है कि इतने पैरों पे भी, सर पे भी, एक दो जगह से काटना नहीं, पांच छह कुत्तों को हो सकता है कि डेफिनेटली मल्टीपल बाइट्स हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग मार्जिन्स पे अलग अलग बाइट्स के निशान, तो पूरे निशान अलग अलग डेफिनेटली हैं। मेरा नाम कविजीत कौर, पिंड पंबोई, अर्षदीप मुंडा। मैं सर काम करके आ रही, अपने पापा को डेरे रेंदे, कमरे ढाई बजे नवे पाउन रहे से, किसी के डेरे रेंदे पे से, अगले बन्ने मतलब खेत दुकान में जान रहे से, पहले था नहीं सर, उधर के कुत्ते ने टाल है जी। कितने कुत्ते? छह कुत्ते। किस तरह बचे? जी रुक के मार ले, इन्होंने करना तो मैं काम करके आई भी, फिर मेरे पापा ने मैं पूछा अर्श कहाँ, कहते बाहर जाके देख ले, मैं देखना आई भी सर, इन्हें पहले से तू उड़े से कुत्ते। फिर बचाया किस तरह? हाँ जी, फिर रुक के मार दिया सी ना, आवाज मार दिया सी। हाँ जी, नहीं मैंने तो हले भी दिखता नहीं सी, नहीं रहना ही, फिर मैंने कहने लगा मम्मा फोन जगा के लाभ, मैंने टो ठुडा गल, मैं टोया बैठ सर ठुडा गल लिया फिर जी सर, फिर मैं रोटी मारी भी दौड़ गए सारी जी, फिर भी दौड़ दौड़ ये कन्न ही आते। हाँ जी, बटाले हस्पताल, उन्होंने क्या अंबरसर था। हाँ जी हाँ जी पूरे जी हाँ जी, हूँ कहते पे फर्क पे, उन्होंने केयर करनी भी इन्हें कुछ पहले इस तरह सर देखा नहीं जाता, जिस तरह के मतलब पता नहीं बचना ही कि नहीं बचना जी। हाँ जी, मौत के मुँह चमसा ही बचे हुए। 9 साल जिस तरह मेरे बच्चे गल हो चके जान कुत्ते नत्त पाई जाए, सरकार हिम्मत करे सहमत करे, सरकार हिम्मत ला दे। सरकार ने यह कहते पे साड़ी मजिन असं मजबूर हैं जी, गरीब है, साड़ी मदद की जाए। जिस तरह मेरी बेटी गल हो इस तरह किसी गल ना भी चक्या जाने कुत्ते, सरकार ने यही कहते पे, पिंड हर एक पिंड चक्के जाने कुत्ते।
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸੁਬੇਰ ਖਾਨ 98154154 ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨ ਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਚ ਝਗੜਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸੁਬੇਰ ਖਾਨ 98154154 ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।